हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि अभी कल ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम के पोस्ट फोन होने की जो भी संभावना बची थी उसने कैलेंडर जारी करके उसको समाप्त कर दिया। यानी प्री के एग्ज़ाम के साथ साथ उसने मेंस की भी डेट डिक्लेयर कर दिया। और यानी दिसंबर में मेंस का एग्ज़ाम होगा और उसने फरवरी में एपीओ के प्री की भी डिक्लेयर कर दिया एग्ज़ाम की डेट। इसका मतलब बीपीएससी एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार है। तो क्वेश्चन यह है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसलिए एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहिए और ज़रा किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका हौसला इस समय भी मजबूत रहेगा, मेहनत करेंगे, तो निस्संदेह आपको जज बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट यानी सोगा का पार्ट टू, क्योंकि बहुत दिनों से ये आप लोगों की डिमांड थी और मैं थोड़ा इसमें जल्दी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब हमारे वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि अब देखिए, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अब जो पार्ट टू में है, हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को ही डील करेंगे। क्योंकि मैंने पार्ट वन में पहले ही आपको प्री और मेंस के लिए आपको एक कॉलम बना दिया था कि ए सेक्शन प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है और ए सेक्शन मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से आप पढ़िएगा। और आज के लेक्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन उन पर ही हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन फोर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर टू में स्टार्ट होता है। ये किसके बारे में है कि सेल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल यानी विक्रय और विक्रय करने का करार क्या। ये अक्सर प्री में और मेंस में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सेक्शन फोर में इसके जो है क्लॉज दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, इनको आपको अच्छे समझना है। क्योंकि किसी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में बताया गया है, किसी में एग्रीमेंट ऑफ सेल के बारे में बताया गया, किसी में सेल बताया गया है कि सेल क्या है, और किसी में कब जो है एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है कब जो है सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चारों चीज़ बताई गई हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि अब यहाँ पे दिया गया है कि एग्रीमेंट ऑफ सेल मतलब विक्रय की संविदा किसे कहा जाएगा। कब हम समझेंगे कि कोई चीज़ एग्रीमेंट ऑफ सेल है यानी विक्रय की संविदा है? इसके लिए ज़रूरी है कि क्या दिया कि एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। मतलब कि विक्रय की संविदा कब होती है? जब विक्रेता यानी कि सेलर क्या करता है, सेलर करता है वो जो गुड्स है यानी जो माल उसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता, अंतरित कर देता। किसको ट्रांसफर करता है? किसको? बायर को यानी क्रेता को, पहली बात। दूसरी चीज कह रहा है कि या तो वह माल को कीमत पर अंतरित करने का करार करता है, एग्रीमेंट करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर से बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, जिसमें विक्रेता माल को अंतरित कर दे, गुड्स को ट्रांसफ़र कर दे, या फिर उसको माल को कीमत पर अंतरित करने का करार करे, एग्रीमेंट करे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, अब पहले क्लास में यह आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। अब ये क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे मेंशन है। तो सेक्शन फोर क्लास वन, सेक्शन फोर क्लास टू, सेक्शन फोर क्लास थ्री, ये आपको क्लॉज वाइज समझना है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे में आते हैं। दूसरे में क्लॉज में क्या समझाया गया है कि ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। अब देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था, यहाँ पे ये कब हो सकता है उसकी कंडीशन बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस कंडीशन में होता है, कैसा होता है वो। तो दिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशन, मतलब जो विक्रय की संविदा होती है क्या होती है, या तो सशर्त होती है, शर्त के साथ होती है, या पूर्ण होती है, दोनों हो सकती है। जैसे इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए जो सेलर है उसको पूरी प्राइस मिल गई तो विक्रय कंप्लीट हो गया।
ठीक है। अगर किसी कंडीशन पे रखा गया है, अगर कि बायर ने कहा है कि ठीक है हम आपको पैसा कुछ दिन बाद देंगे या हमको सैलरी मिल जाएगी तब हम देंगे, तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में वो कंडीशनल रहेगा, ठीक है। तो ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा होता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वो एब्सोल्यूट के साथ साथ कंडीशनल भी हो सकता है, सशर्त हो सकता है, ठीक है। तो इसके क्लास टू में ये बताया गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्लास थ्री है जो सेल को डिफाइन करता है, विक्रय क्या होती है, विक्रय का मतलब होता क्या है। तो आपको इतना तो पता है, आप विक्रय वर्ड कई जगह मिला, सेल वर्ड जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट में भी मिलेगा, इसके साथ साथ आपको टीपीए में भी मिलेगा। तो सेल का मतलब होता है कि जो माल होता है, जो गुड्स होता है, उसका पजेशन क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या होता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी जो बायर, जो सेलर है, वो किसी गुड्स का पजेशन कीमत पे, प्राइस क्या करता है, दूसरे पर्सन को, यानी दूसरा पर्सन कौन है, सेलर है, उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, सेल कहलाता है, विक्रय कहलाता है। लेकिन इसमें देखने क्या दिया है, तो इसके क्लास थ्री दिया गया कि सेल का मतलब क्या है, कि व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू बायर। सीधी सी बात है कि जो प्रॉपर्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, उसको जो सेलर है वो बायर को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सेल कहते हैं, विक्रय बोलते हैं, और उसके बदले में वो कीमत लेता है, प्राइस लेता है, ठीक है। तो ये फ्री हो गया, इसमें ये क्लास थ्री में सेल के बारे में दे दिया गया। तो अब ये भी पूछा जाता है कि आखिर सेल कहाँ पे परिभाषित है, तो ये सेक्शन फोर की क्लास थ्री में डिफाइंड किया गया। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सावधानी से करिएगा, क्योंकि आप एग्जाम के समय बहुत प्रेशर में रहेंगे और ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, इसलिए ज़रा भी टेंशन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद अब एक पॉइंट यहाँ पे और भी है कि एग्रीमेंट टू सेल किसे बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि एग्रीमेंट टू सेल का मतलब विक्रय का करार क्या होता है। आपने देख लिया कि विक्रय की संविदा क्या है, सेल क्या है, और यहाँ पे क्या देखा है आपको है कि एग्रीमेंट टू सेल क्या है, यानी विक्रय करने का करार क्या है, यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दिया है कि कब एग्रीमेंट टू सेल होता है, इसमें दिया है कि ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टेक प्लेस एट द फ्यूचर टाइम, ध्यान दीजिएगा, एट द फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन टू बी फुलफिल द कंडीशन कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट टू सेल कब होता है, जब दो कंडीशन होती है। पहली क्या होती है कि वो फ्यूचर में टाइम दिया गया उसको गुड्स को ट्रांसफ़र करने का, फ्यूचर में वो गुड्स ट्रांसफ़र होगा, पहली बात। दूसरा, या फिर ट्रांसफ़र होने के पहले कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी है, अगर ऐसी कोई कंडीशन लगाई गई है कि इसके फुलफ़िल करने पर ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, यानी विक्रय का करार बोलेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं कि इसके क्लॉज फोर में क्या है, कि ये दे रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल कब सेल बन जाएगा। अभी विक्रय करने का करार हुआ है, कब वो विक्रय बन जाएगा, यानी पहले एग्रीमेंट टू सेल है, अब वो किस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट सेल हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से विक्रय कब हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ, क्या कंडीशन है, आप देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि एग्रीमेंट व्हेन द टाइम इलेप्स और कंडीशंस आर फुलफिल, मतलब एग्रीमेंट टू सेल कब सेल में कन्वर्ट होगा, इसके लिए दो कंडीशन है, क्या कि जब वो टाइम क्या हो जाए, बीत जाए, इलेप्स हो जाए, जो टाइम रखा गया है वो टाइम बीत जाए, और दूसरा है जो कंडीशन रखी गई है एग्रीमेंट टू सेल में, वो कंडीशन फुलफिल हो जाए, तो उस कंडीशन में जो भी एग्रीमेंट टू सेल होगा क्या होगा, वो दैट वुड बी एब्सोल्यूट सेल, वो पूर्ण विक्रय पूर्ण हो जाएगा। जब दो शर्तें पूरी कर दी जाएंगी, व्हेन टू कंडीशंस आर फुलफिल, देन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल। ये चीज़ याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हमने सेक्शन फोर में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसमें चार पॉइंट देख लिया, कौन कौन था कि पहले टॉपिक में आपने देखा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में दिया था, दूसरे क्लॉज में दे दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होगी, मे बी एब्सोल्यूट आर कंडीशनल,
तीसरे में आपने देखा कि सेल कब कहा जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसमें एग्रीमेंट टू सेल हो गया, और फोर्थ क्लास में दे दिया गया कि एग्रीमेंट टू सेल कब सेल में कन्वर्ट होगा। इसलिए इसको आप अच्छे से जान लीजिएगा, ये कंडीशन फोर का क्लास 1, 2, 3, 4 चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि केवल प्री के लिए बल्कि मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 12 यानी धारा 12 इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो बातों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। पहली बात क्या है कि पहली बात कंडीशंस के बारे में बताई गई है, कंडीशंस यानी जो शर्तें होती हैं, और दूसरी जो है क्या है वारंटी के बारे में बताया गया है यानी कि जो वारंटी होती है। क्योंकि जब हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो हम पहले पूछते हैं भाई इसकी इसकी क्या गारंटी है, हालांकि गारंटी वर्ड तो अब नहीं मिलता है, क्या इसकी गारंटी है, इसकी वारंटी क्या है, तो सारी चीज़ें हमें जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस बात का नॉलेज होना भी चाहिए कि अगर ये प्रोडक्ट सही नहीं चलता है तो क्या इसे हम रिफंड कर सकते हैं, क्या हम इसको इसके बदले में अपना पैसा ले सकते हैं। तो उसी के विषय में सेक्शन 12 में समझाया गया, उसी को मैं आपको बताऊँगा, और ये भी सेक्शन बता रहा हूँ कि प्री और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अब देखिए सेक्शन 12 में क्या दिया है, कंडीशंस एंड वारंटीज़, ठीक है, तो यहाँ पे जानना है कि कंडीशंस क्या होता है और वारंटी क्या होता है। देखिए यहाँ दिया है, तो सेक्शन 12 के क्लास फर्स्ट में किसकी बात की गई, कहा गया है कि ए स्टिपुलेशन इज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी कंडीशंस आर वारंटी, यानी कि जो संविदा की जो निर्बंधन होते हैं, जो जो टर्म कंडीशन होती है, उसमें या तो वो क्या हो सकता है कंडीशंस होगी या वारंटी होगा, ठीक है। यह सेक्शन 12 के फर्स्ट क्लास में बताया गया है, ठीक है। इसके सेकंड क्लास में बताया गया है कि कंडीशन किसे बोलते हैं, सेकंड क्लास में कंडीशन के बारे में बताया गया है, और इसके थर्ड क्लास में क्या बताया गया वारंटी के बारे में क्या होता है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं इसके सेकंड क्लास में वारंटी के बारे में बताया गया कि वारंटी क्या होती है। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए वारंटी के बारे में क्या दिया गया है कि करंट कंडीशन के बारे में क्या दिया गया, हम देखिए तो कंडीशन के लिए दिया गया कि यह इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये संविदा का मुख्य भाग होता है, जो कंडीशन होती है वो संविदा का मुख्य पर्पज होता है, मुख्य प्रयोजन होता है, मेन पर्पज होता है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है, इसमें एक चीज़ और समझना है कि अगर इसका भंग होता है, इसका ब्रीच होता है, यानी अगर इसका जो मेन पर्पज को ब्रेक होते हैं, हम ब्रीच करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ऑफ विच गिव्स द राइट टू द ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज द रिपुडिएटेड, मतलब अगर संविदा का जो मुख्य पर्पज है, मेन पर्पज अगर वो ब्रीच होता है, भंग होता है, तो इसमें इसमें क्या मिलता है राइट, तो इस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मिलता है कि संविदा को निराकृत करने का अधिकार मिलता है, संविदा समाप्त हो जाती है और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो वापस कर दिया जाता है। ये मेन कंडीशन की विशेषता होती है कि अगर जो भी सामान दिया गया है अगर वो मेन पर्पज़ के लिए उपयुक्त नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको वापस कर दिया जाएगा, और संविदा जो है वो क्या हो जाएगी, वो समाप्त मान ली जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, देखिए जिसका नाम है वाल्ड्री वर्सेस मार्शल का केस, 1925 का केस है, दिस इज द लैंडमार्क केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस मामले में क्या होता है, वाल्ड्री वर्सेस मार्शल के केस में होता क्या है, इसमें जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट से एक कार जो है हायर करना चाहता है, खरीदना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि उसको वो लॉन्ग ड्राइव जाना, कहीं लंबी डिस्टेंस को वो करना है, तो उस पर्पस से वो प्लेंटिव डिफेंडेंट से कार खरीदना चाहता है। तो डिफेंडेंट ने उसको एक कार जिसका नाम था बुगती कार का उसने क्या किया, नमूना दिखाया, सैंपल दिखाया, और उसने बताया कि ये आपके पर्पस के लिए क्या है, ये यूजफुल रहेगी। लेकिन बाद में जब प्लेंटिव उस कार से जाता है तो वो कार जो होती है उस पर्पस के लिए यूजफुल नहीं रहती है, तो वो क्या करता है, वो जा करके वो डिफेंडेंट को कार जो है रिस्पॉन्डेंट को क्लास कार दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में से क्या माना जाएगा, इसे माना जाएगा कंडीशन
ये कंडीशन का यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई, यहाँ पे जो है शर्त का उल्लंघन हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, तो इस मामले में कोर्ट ने कहा कि चूंकि कार मेन पर्पज के लिए यूजफुल नहीं थी, क्योंकि प्लेंटिफ ने शुरू में ही बता दिया था कि हमें कार लंबी यात्रा के लिए चाहिए, लॉन्ग जर्नी के लिए चाहिए, और जो बुगेटी कार का आपने सैंपल दिया, जो हमें आपने दिया, वो क्या आ गई, उसमें सक्सेस नहीं रही, इसलिए वो कंडीशन भंग होने की कंडीशन में उसके कार को वापस कर दिया गया और जो कॉन्ट्रैक्ट थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये वाल्डी वर्सेस मार्शल का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, अब दूसरा आते हैं वारंटी पे आते हैं। वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वारंटी क्या देखना है कि वारंटी में दिया गया है कि वारंटी का मतलब होता है स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये संविदा का मुख्य भाग नहीं होता, संपार्श्विक भाग होता है, इसके सहायक भाग के रूप में जुड़ा होता है। कौन सा, वारंटी। और वारंटी का जब ब्रीच होता है तो प्रश्न है कि अगर वारंटी ब्रीच होती है तो उस कंडीशन में क्या कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट को वापस कर देना पड़ेगा, क्या होगी। तो इसमें दिया कि जब वारंटी का ब्रीच होता है तो वहाँ पे केवल क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, किस चीज़ का, डैमेज का क्लेम कर सकते हैं, और वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं और माल को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, वो समाप्त नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि ब्रीच अगर होता है, वारंटी का ब्रीच होता है तो क्या होगा, क्लेम टू डैमेज बट नॉट टू राइट रिजेक्ट टू गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज द रिपुडिएटेड। मतलब अगर इसका वारंटी का ब्रीच होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप केवल डैमेज का ही क्लेम कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त नहीं कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है। अब आपको हम फोर्थ क्लास बताते हैं, यहाँ पे क्या दिया फोर्थ क्लास में, देखिए ये हो गया, ये कंडीशन वारंटी हो गया, कंडीशन थ्री में दिया है, और वारंटी सॉरी कंडीशन टू में दिया है, किसके, सेक्शन 12 के क्लास टू में, और क्लास थ्री में वारंटी दिया, इसको जानते रहिएगा। अब यहाँ पे दिया है कि क्लास फोर में दिया गया है कि क्या ए स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंडीशन आर वारंटी। क्या कोई संविदा में कोई ऐसी शर्त है उसको हम क्या मानेंगे, कंडीशन मानेंगे कि वारंटी मानेंगे। कभी कभी जो है हम वारंटी को भी कंडीशन समझ सकते हैं, क्योंकि इस पर किस पे डिपेंड करता है, यहाँ दिया है कि स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कंडीशन आर वारंटी डिपेंड्स इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमें उस संविदा के जो निर्बंधन है, टर्म कंडीशन है, उसके हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये कंडीशन है या ये वारंटी है। तो ये इतना क्लास हो गया आप लोगों को, और अब सेक्शन 16 की बात करते हैं कि सेक्शन 16 जो है वो बेसिकली दिया गया है कि इम्प्लाइड कंसेंट और इम्प्लाइड वारंटी के बारे में दिया गया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्री में आता ही आता है, इसके साथ साथ मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सेक्शन 16 में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल मेंशन है इनडायरेक्टली, उसका नाम है कैवियट इम्पटर, यानी कि क्रेता सावधान का सिद्धांत, क्रेता सावधान, बायर वीवेयर। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस होती क्या, इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती है। देखिए जनरल नियम क्या होता है कि जब कोई बायर और कोई सेलर किसी गुड्स के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें बहुत सी बातें, बहुत से टर्म कंडीशन क्या होते हैं, वो एक्सप्रेसली मेंशन होते हैं, साफ साफ दिए गए रहते हैं, और बहुत से टर्म और कंडीशन जो है वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं होते हैं। तो जो टर्म और कंडीशन एक्सप्रेसली मेंशन नहीं होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कि इम्प्लाइड कंडीशन एंड इम्प्लाइड वारंटी। तो ये इसके बारे में ये सेक्शन 16 में दिया गया। ये बेसिकली चार बातों के बारे में होता है, किसमें, कि टाइटल एंड ओनरशिप के बारे में, पहला यानी कि जो स्वत्व है और स्वामित्व के बारे में, क्योंकि प्रॉपर्टी का सिस्टम ही होता है कि वो स्वत्व और उस पर किस पर डिपेंड करती है, इसके ओनरशिप पर। दूसरा है सिंपल फॉर डिस्क्रिप्शन। अब कोई भी जो
बायर है कोई भी गुड्स लेगा तो एक एक डिस्क्रिप्शन देता है कि हमें पर्टिकुलर ही गुड्स चाहिए, यानी माल जो है वो बर्डन के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिया, और तीसरा दिया है कि माल क्वालिटी कैसी है और माल की फिटनेस कैसी है। इन सब चीज़ों के बारे में भी सेलर और बायर में एक कंसेंट होता है, ठीक है। क्योंकि बार बार बायर जो है बार बार ही थोड़ी कहेगा कि नहीं हमें बहुत अच्छा सामान ही चाहिए, वो कुछ चीज़ें इनहेरेंट होती हैं, इम्प्लाइड होती हैं, और बायर को जो है क्या करना है, सेलर को बायर को अच्छे सामान ही देना है। तो ये क्या हो गया, क्वालिटी और फिटनेस हो गया। और जो फोर्थ पॉइंट है क्या है, सेल बाय सैंपल, यानी कि जो सैंपल जिस सैंपल का बायर चाहता है उसी सैंपल के गुड्स को सेलर को देना चाहिए, ठीक है। ये सेक्शन 16 के बारे में दिया गया, लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देता है कि इसका एक एक्सेप्शन देता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बायर की भी रिस्पांसिबिलिटी है किस चीज़ की, कि वो खुद उस गुड्स के क्वालिटी पर, उस गुड्स के सैंपल पर खुद ध्यान दे। इसीलिए कहा जाता है कि कैवेट इम्पटर, यानी कि क्रेता सावधान, वायर वी वेयर, आपको सामान लेना है तो प्राइमा फेसाई रिस्पांसिबिलिटी आपकी है। ये जो है सेक्शन 6 के क्लास फर्स्ट में कैवेट इम्पटर का प्रिंसिपल जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, यहाँ पे दो केस लॉ आप अच्छे समझ लीजिएगा, एक जोन्स वर्सेस पेजेट का केस है, 1890 का केस है, और दूसरा केस है ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स कंपनी का केस है, और ये केस है आपका 1936 प्रिवी काउंसिल केस है। ये दोनों केस बहुत ही लैंडमार्क केस है, इवन ये प्री में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सेक्शन के साथ साथ केस लॉज पर भी अच्छी पकड़ बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हम इस पर बात करते हैं, जोन्स वर्सेस पेजेट के केस में क्या था कि बायर ने सेलर से अपनी वर्दी बनवाने के लिए कुछ कपड़े खरीदे, ठीक है। लेकिन सेलर को इस बात का नॉलेज नहीं था कि जो बायर ने कपड़ा खरीदा वो वर्दी बनवाने के लिए, इस बात की जानकारी किसको जो है सेलर को नहीं थी। और जब बायर वो कपड़ा सिलवाता है तो वो क्या होता है, वो वर्दी के अनुकूल नहीं निकलता है, ठीक है, लेकिन अन्य पर्पस से सही रहता है। तो इसमें जब बायर ने सेलर पर सूट फाइल किया तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे सेलर की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने अपना स्पेसिफिक पर्पस सेलर को नहीं बताया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा केस है आपका कि ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स कंपनी का केस है, बहुत लैंडमार्क केस है। इसमें क्या था कि इसमें जो प्लेंटिव था यानी जो वादी था क्या, वो एक डॉक्टर था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने डिफेंडेंट से यानी प्रतिवादी से क्या किया, दो अंडरवियर जो है उसने क्या किया, परचेज किया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि उस अंडरवियर में कुछ केमिकल्स लगे थे और इसके नाते प्लेंटिव को डर्मेटाइटिस स्किन डिजीज़ हो गया। ये बहुत, इस डिजीज़ को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता ये भी प्री में पूछा जाए, कौन सा डिजीज था, डर्मेटाइटिस स्किन डिजीज़ हो गया, ठीक है। अब वास्तव में जो केमिकल लगा था उसको डिफेंडेंट को उसको हटा देना चाहिए था केमिकल को, लेकिन डिफेंडेंट ने हटाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लेंटिव ने डिफेंडेंट के ऊपर केस फाइल किया, सूट फाइल किया, तो डिफेंडेंट ने ये बचाव लिया कि इसमें कैवेट इम्पटर का रूल लागू होता है, यहाँ पे सेलर को खुद सावधानी रखनी चाहिए थी। तो प्रिवी काउंसिल ने एक लॉ सेटल किया, क्या कि प्रिवी काउंसिल वेल सेटल लॉ दैट प्रिंसिपल ऑफ कैवेट इम्पटर डज नॉट अप्लाई इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन। तो कहने का मतलब है प्लेंटिव को डिफेंडेंट को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद 26 बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन, बताया ना कि हमने इस लेक्चर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ही डील करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी से पढ़ना है, और इसलिए जितने भी प्री मेंस के हमने सेक्शन लगवा दिए गए पार्ट 1 लेक्चर में उसको आप देख लीजिएगा, इस पर
चर्चा करिएगा। तो 26 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहिएगा। ये किसकी बात करती है? रिस्क की बात करती है कि जो रिस्क होता है, जोखिम होता है, वो किसके पास होता है? सेलर के पास होता है या बायर के पास होता है? तो इसका जनरल रूल है कि रिस्क उसी के पास होता है जिसके पास प्रॉपर्टी रहती है, जिसके पजेशन में प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी प्रॉपर्टी के साथ कोई नुकसान होता है तो हम देखते हैं कि उसका मालिक कौन है, उसका ओनर कौन है, यानी ओनर को ही नुकसान होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि रिस्क प्राइमा फेसाई पासिस विद द प्रॉपर्टी, यानी कि जो जोखिम है वह संपत्ति के साथ साथ चलती है, संपत्ति के साथ ही संक्रांत होती है, ठीक है। अब देखिए, ये कॉमन लॉ का एक रूल है, इट इज द रूल ऑफ कॉमन लॉ। कौन सा रूल है? कि रेस पेरिट डोमिनियो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि रेस पेरिट डोमिनियो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के किस सेक्शन पर बेस्ड है, तो आप इसको सेक्शन 26 लगाएंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि रिस्क पेरिट डोमिनियो का मतलब होता है जोखिम स्वत्व का अनुसरण करती है, रिस्क हमेशा उसके पास जाती है जिसके पास प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो इसके पीछे दो रूल हैं, क्या? कि रिस्क लाई अपॉन सेलर, यानी कि रिस्क किसके पास? विक्रेता के पास कब होती है? जाहिर सी बात है, तो रिस्क विक्रेता के पास कब होती है? जब प्रॉपर्टी विक्रेता के पास होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए बी ने एक ए से, ए कौन है? ए जो है वो सेलर है और बी बायर है। वो इसे क्या करता है? कुछ गेहूं खरीदता है, व्हीट खरीदता है 100 क्विंटल। बी जो है 100 क्विंटल व्हीट गेहूँ जो है गोडाउन से, ए के गोडाउन से खरीदने का क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब ए जो है 100 क्विंटल गेहूं अपने गोडाउन से सेपरेट नहीं करता है, सेपरेट किए बिना ही गोडाउन में आग लग जाती है। उस कंडीशन में प्रश्न ये है कि जो रिस्क है किसके पास होगी? तो चूंकि यहाँ पे रिस्क जो है वो किसके पास होगी? ये सेलर के पास होगी, यहाँ पे रिस्क बायर के पास नहीं होगी, क्योंकि पूरी लायबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? सेलर के पास थी, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क किसके पास हो गई? सेलर के पास हो गई, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि रिस्क लाइज अपॉन बायर, यानी रिस्क जो है वो किसके पास? क्रेता के पास होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रॉपर्टी सेलर के पास, बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, तो फिर सेलर की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है। अब इसी एग्जांपल हम लेते हैं, अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल में बी ने ए के गोडाउन से 100 क्विंटल गेहूं का लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ए क्या करता है? वो 100 क्विंटल गेहूं जो है बी के लिए क्या करता है? तौल करके अलग रख देता गोडाउन में ही, और तब अगर आग लग जाती है तो यहाँ पे रिस्क किसके पास होगा? यहाँ पे रिस्क बायर के पास हो जाएगा, क्योंकि वो उसको सेपरेट कर दिया गया है, और ये जोखिम अब यहाँ पे क्रेता के पास हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम अब यहाँ पे चैप्टर 5 की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर 5 में क्या दिया है कि चैप्टर 5 में बेसिकली अनपेड सेलर की बात की गई है, असंदत विक्रेता की बात की गई है, असंदत विक्रेता के क्या अधिकार हैं, उनका क्या राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड लाइबिलिटीज ऑफ अनपेड सेलर, इसके बारे में है। और ये भी प्रियो मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब देखना है कि पहले तो ये देखना है कि अनपेड सेलर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा कि अनपेड सेलर has been defined in the section 45 of Sale of Goods Act, ठीक है। तो इसमें दिया गया कि असंदत विक्रेता कौन है, उसके लिए दिया गया है कि असंदत विक्रेता unpaid seller वो है, कौन है? जिसकी होल ऑफ प्राइस हैज नॉट बीन पेड आर टेंडर्ड, यानी जिसको जो उस गुड्स की प्राइस है उसकी पूरी कीमत नहीं दी गई है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो माल जो गुड्स है जिसका पेमेंट किया जाना है वो या तो बिल ऑफ एक्सचेंज से है, यानी विनिमय पत्र से हो, या फिर किसी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, अदर किसी परक्राम लिखित के द्वारा देना है, यानी कि प्रॉमिसरी नोट से है या चेक से देना है, उस कंडीशन देना है, तो वो उससे भी क्या हो गया, उसका प्राइस रिसीव नहीं हुआ है, या फिर वो चेक है तो डिसऑनर हो गया है, अनादरित हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में उस
सेलर को क्या माना जाएगा, अनपेड सेलर माना जाएगा कि उसे असंदत विक्रेता माना जाएगा, क्योंकि उसे पहली बात तो ना तो माल की पूरी कीमत दी गई है, ना ही अगर उसको माल की कीमत देने की शर्त कैसे है, चेक से है, बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा है, और वो भी क्या होता है, डिसऑनर हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि उसे माल की कीमत संदत नहीं की गई है, इसलिए वो अनपेड सेलर है। अब प्रश्न है कि अगर एक अनपेड सेलर है तो उसका राइट क्या होगा, क्या वो माल को बायर को दे देगा या अपने पास रखेगा। तो इसके बारे में सेक्शन 46 में दिया गया है कि राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, यानी कि असंदत विक्रेता के क्या अधिकार हैं। तो असंदत विक्रेता के तीन अधिकार हैं। पहला दिया है कि राइट टू लियन, यानी कि धारणाधिकार का अधिकार है, किसी चीज़ को अपने पास धारण करने का अधिकार, अपने पास रोकने का अधिकार है, ठीक है। दूसरा है राइट टू स्टॉपिंग गुड्स इन द ट्रांजिट, और अगर माल को अभिवहन में रोकने का अधिकार, अगर रास्ते में है तो वहाँ भी उसको रोका जा सकता है, ठीक है। ये भी अधिकार किसको दिया गया है, ये भी अधिकार जो है वो सेलर को दिया गया है, यानी कि विक्रेता को दिया गया। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राइट ऑफ रीसेल, और विक्रेता को उस माल को, उस गुड्स को फिर से बेचने का अधिकार है। ये तीन अधिकार दिए हैं, अब तीन अधिकारों को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो पहला है राइट टू लेन ऑफ सेलर, ये किसमें दिया गया है, ये सेक्शन 47 दिया, याद रखिएगा। ये प्री के लिए पूछ सकता है कि किस सेक्शन में सेलर का राइट टू लेन दिया गया, धनाधिकार दिया गया है, वो सेक्शन 47 है। वो कब दिया गया है, तब दिया गया है कि अगर वो जो माल है, गुड्स है, वो बिना उधार के दिया, उधार नहीं दिया गया, विदाउट क्रेडिट उधार के नहीं दिया गया है, ठीक है, पहली बात। और दूसरा जो है, अगर वो उधार पे दिया गया है, क्रेडिट पे दिया गया है, और कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन किया गया है, और वो टाइम जो है वो लैप्स हो जाता है, समय चला जाता है उस समय, और उसके साथ साथ अगर वो इंस्टॉलमेंट निकल जाता है, कौन निकल जाता है, बायर जो है इंस्टॉलमेंट निकल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में सेलर को कौन सा राइट अराइज होगा, वो अपने माल को रोक सकता है, धनाधिकार का प्रयोग कर सकता है, राइट टू लियन का यूज कर सकता है। ये पहला अधिकार आपको कंप्लीट हो गया, तो याद रखिएगा। दूसरा है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अब माल रास्ते में है, अभिवहन में है, तो उसको भी क्या कर सकता है, रोक सकता है। कब तक रोक सकता है, अनटिल द प्राइस इज पेड। अब देखिए, अब दिया है कि पार्टेज, ये राइट कब स्टार्ट, कब सेलर का ये राइट कब स्टार्ट होता है, दिया कि जब गुड्स इज पार्टेड विद द पजेशन, गुड्स को पार्ट में कर दिया गया है और उसको पजेशन दे दिया गया है, किसको दे दिया गया है, ये बायर को दे दिया गया है, और तब वो अगर वो माल रास्ते में है तो उसको क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकता है, सेलर उसको रोक सकता है जब तक कि उसका पेमेंट नहीं हो जाता है, ठीक है। ये सेक्शन 50 में है, ये धारा 50 में दी गई है, ध्यान दीजिएगा कि रास्ते में माल को अभिवहन रोकने का अधिकार धारा 50 में किसका है, विक्रेता का है, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब क्या कर सकता है सेलर, विक्रेता माल को फिर से बेच सकता, पुनः विक्रय कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया गया कि अगर इफ़ द गुड्स इज नॉट द पेरिसेबल नेचर, देखिए गुड्स दो तरीके का होता है, एक होता है पेरिसेबल नेचर, एक होता है जो पेरिसेबल नेचर का नहीं होता है। तो अगर ये पेरिसेबल नेचर का मतलब जो होता है, कुछ माल जल्दी समाप्त हो जाते हैं और कुछ माल जल्दी समाप्त नहीं, जैसे कुछ माल जल्दी समाप्त होते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सब क्या हैं, मिल्क है, बटर है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, क्रीम है, ये सब जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, तो इनको तो वो रोक नहीं सकता है, इसलिए इनको क्या कर सकता है, तुरंत सेल कर सकता है, ठीक है। तो इफ़ द गुड्स इज नॉट पेरिसेबल नेचर, तो वह उसको माल को बेचेगा नहीं, अगर उसका ब्रीच होता भी है तो इसका मतलब नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वो ब्रीच हो जाता है।
लेकिन इफ़ द गुड्स इज पेरिसेबल नेचर, यानी जो माल जो है वो परेशान प्रकृति का है, जल्दी नुकसान हो सकता है, तो उसको ऐसी कंडीशन में क्या कर सकता है सेलर, क्या कर सकता है उसको फिर से रीसेल कर सकता है, बेच सकता है। और ये सेक्शन कहाँ पे दिया है, सेक्शन 54 में दिया गया है। तो आज के क्लास में बस इतना हमने समझा दिया, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट कहेंगे कि टाइम आपके पास कम है, लेकिन आपको अपना हौसला मजबूत रखना है, अपने इरादों को मजबूत रखना है, पेशेंस ज़रा भी नहीं खोना है, और यही आपका हौसला, यही आपका मनोबल आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और मेरे वीडियो को देखिए, आप खूब कमेंट्स करिए और इसको लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इसका इतना प्रचार प्रसार हो जाए, ताकि मैं खुद आप लोगों को सबसे बेस्ट नॉलेज इस चैनल से प्रोवाइड कर सकूं। और अगले में हम आपको जल्दी ही, बहुत स्टूडेंटों की डिमांड आ रही है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को आगे हम अगला पार्ट भी जल्दी देंगे, बहुत जल्दी देंगे। मेरे लेक्चर थोड़े स्लो हो रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आप जल्दी रहेंगे और बहुत ही बेनिफिशियरी होंगे। ठीक है, थैंक यू।